अम्मी। हाँ बेटा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ पूछ बेटा। शेख जी जन्म से बेवकूफ है या अभी बेवकूफ हुए? अरे क्या बताऊं बेटा, जब शेख चिल्ली 4 साल का था ना, तो इसके सिर पे टूट के बेल पत्थर लग गया था। अच्छा। जब इसे इसकी अकल में पंचर हो गया। अच्छा। अम्मी अब मैं समोसे की दुकान खोलता ही नहीं है, कारोबार बंद। अब क्या हो गया? मैंने इरादा ही कैंसिल कर दिया। क्या हुआ शेख जी, तुमने तो समोसे की दुकान खोलने का पक्का इरादा कर लिया था, अब इरादा क्यों बदल दिया? इसलिए तो नहीं बदल दिया कभी मैं खा लूं 2-4? वो हराम के खाने वाला इरशाद क्या पीट के भी मानने वाला नहीं था। यूं कह रहा था मैं तो समोसे लेना आऊंगा, मैं तो लेना आऊंगा समोसे। मैंने साले को बचे पीटा, फिर मैंने सोचा साले कारोबार ही बंद कर दूं, साला बिजनेस बंद कर दिया। बेटा अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरे अब्बू तेरा खाना पीना बंद कर देंगे। मैं काम करूंगा अम्मी, कारोबार जरूर करूंगा, मगर समोसे का काम नहीं करूं साला, दूसरा कोई काम करूंगा। दूसरा काम? दूसरा काम कौन सा करेगा तू? हाँ हाँ बताओ। मैं पिंचर लगाने का काम करूंगा अम्मी, देख फिर तो देखना पूरा गांव मेरे से पिंचर लगवाने आ करेगा। दुकान को बड़ी कर लूंगा, उसके बाद हवाई जहाज रेल में सबका ठेका ले लूंगा पिंचर लगाने का। शाबाश मेरे बेटा शाबाश, तू तो हमें जल्दी मालदार कर देगा। हाँ शेख जी, पिंचर लगाने के काम की तो तुमने सोच ली, तुम्हें पिंचर लगाना आता है क्या? चमेली का तेल लगा सकता हूँ, अब्बू की दाढ़ी में मेहंदी लगा सकता हूँ, इरशाद से शरत लगा सकता हूँ, पंखे में पिलक लगा सकता हूँ, तो मैं टायर में पिंचर नहीं लगा सकता। देखा रुक्साना, मेरा बेटा शेख चिल्ली कितना समझदार है। ठीक है तुम पिंचर की दुकान तो खोल लोगे शेख जी, लेकिन अपने रिश्तेदार जमील का क्या करोगे? वो रोज अपनी साइकिल में पिंचर लगवाने आया करेगा, वो भी फ्री में। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो मेरी अकल में घुसी नहीं। वो जमील का बच्चा सारा फ्री में पिंचर लगवाएगा, टायर फ्री में डलवाएगा, रिम फ्री में डलवाएगा, ग्रिल फ्री में लगवाएगा, सारा मेरे तो दीवारा निकाल देगा, कारोबार ठप करवाएगा, दुकान बंद हो जाएगी मेरी तो। अम्मी रुक्साना तुम यहीं बैठो, मैं सारे को पहले उसे देख करता हूँ। अब आया उसे देख करता हूँ, पहले उसे सुलटिया हूँ। अब ना कोई झमेला करिया वे, कोई नया ड्रामा मत करिया ना। अब पता ना कैसा आदमी है अम्मी, बिजनेस शुरू करते हैं नी चेंज पहले कर दे। पता नहीं बेटा इसकी किस्मत में क्या है क्या ना। आ रहा हूँ जमील के बच्चे, पिंचर की दुकान में फ्री में पिंचर लगवाया, फ्री में पिंचर लगवाएगा, मेरा कारोबार ठप करेगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। यार पेशाब भी ऐसे ही टाइम पे आता है। पिंचर की दुकान बाद में खोलूंगा, पहले जमीन को देखूं। वाह भाई जमील, सारी दुनिया का मजा एक तरफ और ये पेशाब करने का मजा एक तरफ। ओए जमील, यानी हमारे रिश्तेदार फूफो का लौंडा है, पिंचर की दुकान पर पिंचर फ्री लगवाएगा। बस वाले मैं तो इसे इसके घर तक ढूंढने जा रहा था, अच्छा यही मिल गया। इसे साले को यही समझा देता हूँ, यही फोड़ता हूँ इसे, साले का बना दूंगा तीतर। कैसे करूँ क्या करूँ? बेटा बस एक चिल्ली, क्या हो गया तुझे, डल्ला क्यों मार रहा, इस्तंजा भी नहीं करने दे रहा। साले मैं करूंगा इस्तंजा, आ रहा हूं। साला हर टाइम उल्टी सीधी हरकत करता रहता है। पैसे एक चिल्ली क्यों डल्ले मार रहा, क्यों मार रहा? अबे बात सुन ले, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अबे सुन तो, अबे मार दिया, अबे गधे क्यों मार रहा है, अबे क्या हो गया, करो हो गया क्या, मार दिया, अबे मैं तो तेरा रिश्तेदार,
साले, जान से मार दूंगा, रिश्तेदार हो गए साले, जान से मार दूंगा साले, जान से मार दूंगा, फिर भी पिंजरे लगवाएगा साले, ठप करवाएगा हमारा हिल्ला। अबे बेवकूफ, मैं कब तेरी दुकान पे गया और कब मैंने तेरे से फ्री में पिंचर लगवाया है? अबे वही रिश्तेदार, वही जो गांव के चौराहे पे खोलने वाला हूँ, गांव के चौराहे पे खोलने वाला हूँ, फ्री में करवाएगा काम सारा, फ्री में करवाएगा। अरे वही दुकान जो पिंचर की दुकान खोलने वाला हूँ गांव के चौराहे पे। अबे तू भी है बेवकूफी, अभी तूने दुकान तो खोली नहीं, मैं तेरी दुकान पे पिंचर लगवाने गया नहीं और तूने मुझे पीट एडवांस में ही दिया। मैं इसलिए तो कूटा साले, ताकि तू मेरी दुकान के इर्द गिर्द झांके भी ना, उधर से आए भी ना, तेरा साया भी ना पड़े। चला जा, वरना तेरे साइकिल के पंचर पंचर काट के साले कबाड़ी को फेंक दूंगा, बना दूंगा ठेला इसका। अबे शेख चिल्ली, तुझे एक बात बताऊं? हाँ। उरे कुआ बता। मैं तेरे अब्बू का भांजा लगता हूँ। ओहो। और तू मेरे मामू का लोंडा। हाँ हाँ ठीक है। इस नाते से अब मैं तेरी दुकान पे जरूर आऊंगा और फ्री फंड में पिंचर जरूर लगवाऊंगा। रिश्तेदार का फायदा उठाएगा। हाँ। फ्री में काम करवाएगा। हाँ। टायर भी फ्री में डलवाएगा, ग्रीस भी फ्री में लगवाएगा, रिम भी फ्री में लगवाएगा, गद्दी फ्री में लगवाएगा, सब फ्री फंड में। तेरी ऐसी तेरी साला रिश्तेदार है, रिश्तेदार की जगह साला आऊंगा जरूर, साला फोड़ दूंगा सिर। चला तेरी, अबे बड़ा बदतमीज आदमी है भाई, अभी पत्थर मार के मेरा सिर का तरबूज सब फोड़ देता सुसरा। बदतमीज, वे साले सब शेख चिल्ली की तरक्की से चलते हैं, शेख चिल्ली कामयाब से चलते हैं साले सब, हैं? वे सालो, अब मैं ये काम करने का नहीं, बस मैं साला थूकता हूँ पिंचर में, ये दुकान खोलू नहीं। हाँ मैं जा रहा हूँ घर को। रुखसाना, तूने तो पुलाव बड़ा बढ़िया बनाया। अम्मी, मैं तो हर खाने बढ़िया बनाती हूँ, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा कीमा और गिर जाता ना, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता। सही कह रही है बेटा। ओबे, भाई रुखसाना तो बहुत चालू बदतमीज, तुम दोनों ने मुझे जमील को समझाने के लिए भेज दिया, आप यहाँ पुलाव खेच रही हो, तहरी मार रही हो, तहरी है। भला रुखसाना चम्मच दे। क्यों खा रहे हो शेख जी, तुम्हारा खाना तो अब्बू ने बंद कर रखा है। मैं क्या राण का जमाई हूँ, अब्बू ने बंद कर रखा, मैं तो खाऊंगा, मैं क्या भूखा मरूं, बताइए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी, वरना अब्बू मुझसे नाराज हो जाएंगे। खाने नहीं देगी हैं? अब्बू की चमची सारी परो कले मुंह, अरे सारी पेट में घुट मार के आंख फोड़ दूंगा। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, रुखसाना बेटा खाने दे इसे भी। शेख चिल्ली बेटा जल्दी जल्दी खा ले, कभी तेरे अब्बू आके देख ले। हाँ हाँ शेख जी जल्दी खा लो, पर ये बताओ साइकिल पिंचर की दुकान कहाँ खोलोगे? मैं रोजाना पिंचर की दुकान खोलने का प्लान मैंने बंद कर दिया, एकदम कैंसिल कर दिया। अबे वो सारा जमीन माने ही नहीं, मैं सारा वो समझाने के बाद भी, पिटने के बाद भी नु कह रहा। फ्री में लगवाऊंगा पिंचर, फ्री में रिम डलवाऊंगा, फ्री में टायर डलवाऊंगा, फ्री में ग्रीस लगवाऊंगा और तुझसे करवाऊंगा। साला प्लान बंद कर दिया साले को। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अब तू क्या करेगा? अब मेरी सुनो, अब मैंने बना लिया प्लान, अब मैं बिसात खाने की दुकान खोलूंगा। हैं? बिसात खाने की दुकान, ये क्या होता है शेख जी? अबे रुखसाना तू भी काली गाय है बिल्कुल, मैं बगली बिसात खाने में होता है, जैसे सिमरक बेचना, पाउडर बेचना, बिंदी बेचना, लिपस्टिक बेचना, वगैरह वगैरह बेचना, ये सब मिलाकर इसे बिसात खाना कहते हैं। अच्छा, तो तुम कॉस्मेटिक की दुकान खोलोगे? हाँ, वही 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 वही। काम तो ठीक है शेख जी, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है? हाँ। वह कौन सी दिक्कत आ सकती है? देखो, तुम लेडीज सामान बेचोगे। हाँ। वहाँ लेडीज ही लेडीज आएंगी, लेडीज आएंगी तो वो छिचोरा रमजानी भी आएगा, रमजानी लेडीज को छेड़ेगा, तुम्हारी दुकान की बदनामी होगी, फिर दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था साला, इतना बड़ा लफड़ा हो सकता। हाँ। मैं रुखसाना अम्मी, मैं अपने बेसात खाने की दुकान बंद नहीं करूंगा, दुकान खोलने से पहले रमजान का छिछोरापन छुटा दूंगा, छिछोरापन जा रहा हूँ, मैं दुकान बाद में खोलूंगा, उसका छिछोरापन छुटा करता हूँ पहले। हाँ, पहले खाई जाते शेख जी, पहले उसी सुलट लूं। या अल्लाह, ये कैसा आदमी दे दिया तूने मुझे।
चल खा ले तू। अम्मी शेख जी पूरे नमूने हैं नमूने। ए, क्या बकरी है तू? मेरे बेटे को ऐसा कह रही है? बकरी नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ, और मैं औरत हूँ औरत। अपना मुंह बंद रखा कर, समझ गई? तेरा शोहर है शोहर। ये पोज मेरी सलमा को बड़ा प्यारा लगेगा। ये और ये तो मैं जरीना को दिखाऊंगा। वो सलमान खान की बॉडी की फैन है ना? अब मेरी बॉडी कौन सी सलमान खान से कम है? ये ले मेरी सलमा, अभी तुझे व्हाट्सएप करता हूँ। ये कौन है? हाय हाय सलमा को तो मैं बाद में देखूंगा। रुकिए रुकिए, अब ये घास आ गया कबाब में हड्डी। क्या कह रहे हो जी? हाय हाय मेरी अनार कली, बुरखा ओढ़ के कहाँ चली? एक बार मेरे साथ सेल्फी तो ले ले। अच्छा सेल्फी लेगा? अच्छा सेल्फी लेगा? सेल्फी लेगा? सेल्फी लोंडे को छेड़ेगा? लोंडे को पूरे गांव के लोंडे को छेड़ता फिरे? माफ कर दे भाई, माफ कर दे, तो गलत फंस गया मैं। भाग ले बेटा, चला जा साले रमजानी। सुधर से टाइम से ही नूह देख रहा था मैं, कौन यहाँ लड़की को छेड़ा है? बड़ी बुराई आ रही है तेरी गांव में, आज पता चल गया रमजानी तू ही है। मैं रमजानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जरूर साला छिचौरा कहीं छिचौरापन कर रहा होगा। हाँ साला है ही छिचौरा, साला सही कह रही है, दीदी में ले जाएगा सब कुछ। इससे पूछता हूँ गिरीश। हाँ वह तूने रमजानी को देखा कहीं? देखा हो बागबाग इधर उधर? वो छिचौरा? हाँ वो तो एक औरत को छेड़ रहा। किसी औरत को छेड़ रहा? हाँ कहाँ है? बाग में। किधर भी लगा? उधर। ओ ठीक है तू जा, सोरे को मैं देखूं छिछोरापन। बेटा रमजानी आज तो तेरी मस्ती तेरे पे ही भारी पड़ गई। वे ये यामिन भी बड़ा खतरनाक आदमी है, साला बुरखे में आ गया। बेटा रमजानी आज के बाद किसी बुरखे वाली को मत छेड़ दियो, अब पता ही नहीं लगता कि औरत है कि आदमी है। अब मेरे तो कपड़े भी वहीं पेड़ पे टंगे रह गए। चल कोई बात नहीं यार, कपड़े रह गए तो क्या हुआ, यही फोटो खींच के मीना को भेजता हूँ। ले मेरी जानू, कोई बात नहीं बेटा, देख अब देख, अब देख तू रमजानी की फोटो देख। यहाँ सेल्फी कर रहा, तालीम भेजेगा, तालीम भेजेगा, छिछोरा बन रहा था, लोड़ियों भेजेगा, लोड़ियों बता रहा, यहाँ भगा रहा, बार और तो भगा रहा, और तो छेड़ रहा, बिल्कुल वाली छेड़ रहा, सारे सरमान चाहिए रमजानी के बच्चे, कोश में जिस दुकान पर मेरे ठप करेगा, दुकान दुकान ठप करेगा, अपनी बीवी ले जाएगा, सारा सामान ले, सारा सामान ले जाएगा, फिर भी लेके जाएगा, हैं, फिर भी लेके जाएगा, सारे दुकान का फायदा उठाएगा, मेरी दुकान को ठप करेगा, हैं, मेरा घाटा करवाएगा, सारा जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, सारे फिर भी ले बैठ आज की करेगा, सारे आज की करेगा, और तो छेड़ेगा। मैं भैया से एक्चुअली मैंने किसकी दुकान पे किस लोटिया को छेड़ दिया, अबे किसकी दुकान? मैं तुझे पीट नहीं रहा, मैं तुझे क्यों पीटूंगा बताइए? मैं तुझे समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। मैं औरतों को छेड़ना, औरतों को ताक झाक करना, औरतों को फोटो दिखाना, औरतों को बॉडी दिखाना, छिछोरापंती करना, ये ठीक बात नहीं है। अरे तो भैया शेख चिल्ली मैंने कौन सी लोंडिया को छेड़ दिया जो तू मुझे पीट पीट के इतने प्यार से समझा रहा है? बे गधे के बच्चे है मक्की तुम, शेख चिल्ली की बात तेरी समझ में नहीं आई। बे कल को मैं गांव में शेख चिल्ली बिसात खाने की दुकान खोल रहा हूँ, शेख चिल्ली बिसात खाना। हाँ। मेरी दुकान पे सब औरतें आएंगी, मामी फूफी चाची ताई बहन भांजी सब औरतें आएंगी। मैं कब सामान लेने को बिंदी को लिपस्टिक को चूड़ी को ये को और गोरी गोरी कलाई वाली आएंगी, और तू ना देखेगा, ठीक है तू ना छेड़ेगा, मेरी बदनामी होएगी, फिर मेरी दुकान पे कोई आएगा नू बता तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरी दुकान ठप हो जाएगी, मेरा सारा कारोबार चौपट करवाएगा। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, दुकान की तरफ को आमजनी साले की टांग झांग दूंगा, समझा नहीं? अबे बेवकूफ आदमी, अबे दुकान तूने खोली नहीं,
लोंडिया मैंने छेड़ी नहीं और तूने मुझे एडवांस में ही समझा दिया। बेटा रमजानी, शेख सिली सारे काम एडवांस में करता, वो पूछ कैसे? वो कैसे? करीम वाले से लाऊंगा उसे एडवांस दूंगा, लिपस्टिक वाले जाऊंगा उसे एडवांस दूंगा, पाउडर लाऊंगा उसे एडवांस दूंगा, हैं? जितने भी सामान आएंगे मेकअप के, विश्रांत खाने के, सब एडवांस देना पड़ेगा। इसलिए तुझे भी एडवांस में समझा रहा हूँ ताकि कल को तू मेरी दुकान पे डिस्टर्ब ना करे। अब ठीक है, तूने मुझे समझा दिया। हाँ, अब मैं तुझे समझा रहा हूँ, कल को तू दुकान खोल, मैं तेरी दुकान पे जरूर आऊंगा और लोंडिया तो आएंगी, मैं उन लोंडियों को जरूर छेड़ूंगा। ओहो, इसका मतलब तू मेरी दुकान पे आएगा? आऊंगा। लोंडियों को देखेगा? देखूंगा। उन्हें छेड़ेगा? हाँ बिल्कुल छेड़ूंगा। उनकी लिपस्टिक भी देखेगा? अरे मुंह पे लगा के देखूंगा। ओहो, काजल भी देखेगा? काजल भी लगाऊंगा। चूड़ी भी देखेगा? देखूंगा। फिर कलाई भी पकड़ेगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पकड़ूंगा। फिर उन्हें कहेगा महबूबा, हाय मेरी जाने मन, मेरी जाने मन। फिर उनके लोग मेरे पर लट हो जाएंगे, मेरा काम चौपट हो जाएगा, तू खुश होएगा। मैं तो खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे छेड़ने को मिलेगी। तो तू कारोबार बंद करवाएगा मेरा? नाम ही छिछोरा रमजानी है। निकल जा साले, जूते इतने बजाऊंगा साले, खोपड़ी कर दूंगा लाल, साले कर दूंगा खोपड़ी पीली पीली, बस साले भाई वास नहीं है, वह पूरा गांव मेरे कारोबार से जल रहा साला, कारोबार चलने दे, फल फूल लेने दे कारोबार को, हैं? मैं कैसे करूं साला, और से छेड़ने करा, अब कैसे करूं साला, ये काम करता नहीं, ये भी बिजनेस कैंसिल साला, कैंसिल, शेख चिल्ली का भी साथ खाना कैंसिल, कोई और देखेंगे, रोटी खाएंगे पहले। साले कारोबार बंद हो गया, साले टेंशन इसमें निकालता हूं। ओवे टन बोल रही है, कहता हूँ जाके मैं सारा कारोबार बंद कर दिया सब, है किसकी है गाड़ी, किन कर रही है फट फट। अम्मी। हाँ बेटा। अब्बू ने शेख जी के लिए फैसला बिल्कुल ठीक लिया है, क्या पता इस बहाने से कमाना ही शुरू कर दे। हाँ बेटा, कमाएगा, जरूर कमाएगा, खोल तो रहा है कल बिसात खाने की दुकान। हम कारोबार कहीं ना रहे साले, साले सब तरक्की से चल रहे हैं, शेख चिल्ली की तरक्की चल रहे हैं सब, साले का ऐसे लपाटे मारवा, साले बदतमीजी हैं बिल्कुल। अरे क्यों बड़बड़ाता आ रहा है, हैं? जब भी आता है बड़बड़ाता आता है, क्या हुआ कुछ बताएगा भी सही? रमजानी ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? हाँ कह दिया भाई, मैंने उससे कहा मैं बिसात खाने की दुकान खोलूंगा, तू लोंडे को छेड़ी दुकान पे, और यूँ कह रहा साला लोंडे जरूर छेड़ूंगा, लोंडे जरूर छेड़ूंगा, लोंडे जरूर छेड़ूंगा। मैंने साले का दिया लपाटे, मैंने पीट पीट के समझाया, मैंने पीट पीट के समझाया, फिर भी करा, अब मैं जरूर आऊंगा, लोड़े को जरूर छेड़ूंगा, मेरा साला बंद कर दिया, अब जी खोलता है दुकान में, कारोबार बंद है। अल्लाह करे उस छिछोरे को पुलिस पकड़ के ले जाए। बेटा अब क्या सोचा है तूने? हाँ हाँ बताओ बताओ। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बिसात खाना सब, चूड़ी बजे सब कैंसिल। अब मैं दूसरा काम करूँगा कोई। दूसरा काम? हाँ। कौन सा दूसरा काम करेगा? अम्मी मैं एक जहाज खरीदूंगा सेकंड हैंड, गाजियाबाद से दिल्ली तक सवारी ढोया करूंगा, ईमान से इस काम में बहुत कमाई है, मैं तो 2-4 महीने में ही करोड़पति बन जाऊंगा, और अपने जहाज में बैठा के तुम्हें हज भी करा के लाऊंगा। बेटा किराया कितना रखेगा? 5 रुपए सवारी, 5 रुपए सवारी। 5 रुपए सवारी? हाँ। ये तो बहुत कम है। कम नहीं है अम्मी, मेट्रो से बंदा किराया रखूंगा, मेट्रो से ज्यादा सवारी आ करेंगी, लोग लटक 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 चल करेंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हाय मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला, अल्लाह तेरी तमन्ना जरूर पूरी करेगा। शेख जी हवाई जहाज तो करोड़ों रुपए का आएगा, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? ओए रुखसाना, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, लाखों करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? एक काम करो, अब्बू से जाके 10 करोड़ रुपए मांग लो, कमा के लौटा देना, क्यों अम्मी? ओवे तो बहुत अकलमंद रुखसाना, तूने तो मेरी टेंशन दूर कर दी। क्यों अम्मी? ठीक है अब्बू के पास जा रहा हूँ, अब्बू से पैसे लेता हूँ, जाओ अब्बू से जाके बात करता हूँ, दे दूंगा बाद में। अब्बू अब्बू मैं सांड उठ जा, मैं तो अपने कारोबार को लेट हो रहा हूँ। अब्बू नहीं उठ रहा,
ये ले ना, निकाल दे निकाल दे, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़। हाय अल्लाह, क्या क्या कर दिया शेख जी ने, मार दिया। चलो हम भी चल के देखते हैं। मार दिया, निकाल दे। आपका दांत उठ गया, आपका दांत खुल गया तेरी। अबे मेरा दम निकालेगा? दम नहीं निकाल रहा। और 10 करोड़ रुपए दे जेब में से, 10 करोड़ रुपए दे। 10 करोड़? हाँ। क्या करेगा? जहाज लाऊंगा, जहाज। जहाज? हाँ जहाज। बेटा शेख चिल्ली, बेहूफ तो तू पहले से था, मुझे लगता तू अब पागल हो गया। तुझे पता है 10 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? कितने जीरो? मुझे अब वो जीरो से मतलब नहीं है, ना मुझे जीरो गिननी। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़। मुझे हवाई जहाज खरीदना, हवाई जहाज। तो तुझे जहाज चाहिए? जहाज। हाँ। अजी हमारा बेटा काम के लिए तो मांग रहा है, दे दो 10 करोड़ रुपए। अबे उल्लू की पट्टी, इसके साथ तू भी पागल हो गई है। 10 करोड़ रुपए ऐसे मांग रहा है जैसे मुझसे 10 रुपए मांग रहा हो। दे दो अब्बू, दे दो 10 करोड़ रुपए, दे दो, कमा के दे देंगे। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मैं भी इसे नहीं दूंगा। अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ, अगर इस घर में रहना है तो। अब तू तो बहुत बेकार आदमी है, मेरे बिजनेस से चल रहा, कारोबार से चल रहा तू, हैं? या तो मुझे पैसे दो वरना घर से निकलो, घर से निकलो, सबकी शक्ल बिगाड़ दूंगा। अच्छा बेटे, मेरे घर में मुझे ही निकालेगा, मेरी शक्ल बिगाड़ेगा? अभी बताता हूँ बेटा। अबे बेटा ये क्या कह रहा है, ऐसी मनोज बात क्यों निकाल रहा है? तू अगर अल्लाह हमें दे, मैं तुझे दे दूंगा 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे।